पर देखो वर्धमान चारित्र होना चाहिए, पहली शर्त है। क्या होना चाहिए? वर्धमान चारित्र। जिस क्षण में तुमने कपड़े उतारे हैं, जिस क्षण में तुमने केश रौंच किए हैं, इसके बाद अगर तुम्हें 26 साल हो गए हैं तो 26 गुण बड़े के नहीं बड़े तुम्हारे पास, ये बताओ हैं? ऐसा तो नहीं खाली मुनिराज बन गए तब तुम सोच रहे कि टिकट मिल गया, काहे का? और कैसी हो, कहाँ हो, कहाँ रहती हो, आती नहीं हो, आहार नहीं देती हो, तो वो स्त्री कहती हट यहां से, अभी भी तेरा मन सामान्य स्त्रियों में जा रहा है, हट, तो क्या मेरे से शादी करेगा, निकल ले, तेरे जैसे मुनिराज बहुत देखे हैं। भैया तो बोले कैसे? कि जो मुनिराज अपने में बैठे हैं, अपने में मस्त हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, लोग कह रहे बताओ कितने गंभीर मुनिराज हैं। गंभीर, ये गंभीर इसलिए हैं क्योंकि इनकी नजर किस पे है? मुक्ति रमा पे। किस स्त्री पर है प्रकाश जी? मुक्ति रमा पे नजर इसकी, इसलिए ये गंभीर बैठे हैं, आंख बंद करके बैठे हैं, कह रहे देखूंगा तो अपनी स्त्री को ही देखूंगा, मुक्ति रमा को, बाकी किसी स्त्री को नहीं देखूंगा। क्या देखना है इनको है? सामान्य स्त्री नहीं चाहिए। तो बोले पहली शर्त क्या है विनोद सागर जी महाराज? पहली शर्त क्या है? वर्धमान चारित्र होना चाहिए। चारित्र 6 प्रकार का होता है, 13 प्रकार का होता है, पर 6 प्रकार यानी 6 प्रकार से, हाँ, वर्धमान, हीमान, ना अवस्थित, अनवस्थित, पढ़ा ना, 6 प्रकार से। तो बोले कि सबको छोड़ो, एक जो पहला प्रकार का है वर्धमान चारित्र, घटते क्रम में नहीं, घाटे का सौदा नहीं चाहिए। भैया स्त्री कहती है हमें ऐसा पति चाहिए जो कमा कमा के लाए, गमा के नहीं आए। कमलेश क्या चाहिए? जो कमा कमा के लाए। क्या कमा के लाए? चारित्र, चारित्र कमा के लाए। आज इतना है, कल इतना, परसों इतना, इतना इतना, ऐसा चारित्र लाए कि सारी सीमा पार कर दे। जैसे अपन खुश होते हैं ना, अपन क्या यार उन्होंने कितना पैसा कमा लिया, उन्होंने कितने बताओ करोड़पति हैं, अरबपति हैं, खरबपति हैं, है ना? तो कहते भैया खरबपति पैसे के वो यहीं छूट जाएंगे, चारित्र से खरबपति बनो। चारित्र से कैसे बनो? चारित्र से खरबपति बनो, अरबपति बनो, करोड़पति बनो, है ना, लखपति बनो। अभी अपन हजारपति तो बने गए हैं, बताओ। और तो हजारपति बन गए, लाखपति बनो, फिर करोड़पति बनो, फिर अरबपति बनो, फिर खरबपति बनो, बनते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, है ना? तो बोले जैसे जैसे चारित्र तुम्हारा कैसा होना चाहिए बढ़ते क्रम में। अरे यार बताओ, जब जब दीक्षा ली थी तो रोज खाते थे, दीक्षा ले ली तो एक टाइम का नियम ले लिया, अब फिर मिले 2 साल बाद तो बोले कि घी का त्याग है, कि घी नहीं खाते, कभी कह रहे तेल नहीं खाते, कभी कह रहे नमक नहीं खाते, और कभी नीरस भोजन कर रहे हैं। अरे यार इतना अंतर आ गया, ये वर्धमान चारित्र है, चारित्र बढ़ रहा है, हैं? पता चला कमरे में गए तो पता चला पहले सामायिक के टाइम में भी बातें करते थे, सामायिक के टाइम में भी घूमते थे, बचपना था, पर अब गए तो क्या हुआ, सामायिक के टाइम में खड़े हैं स्टैंड, 1 घंटे से देख रहे हैं, लोग वाग ढूंढ ढूंढ के देख रहे हैं, झांक झांक के देख रहे हैं, फिर भी देखा साधु खड़ा हुआ है, वर्धमान चारित्र, एक पैर पर खड़े होकर सामायिक कर रहे हैं, घूटे के बल खड़े होकर सामायिक कर रहे हैं, चुप रहे, कंकड़ पत्थर पड़े हैं और क्या कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं। हमें मेरा नियम एक टाइम का घुटने के बल खड़े होकर के हैं, बताओ, शमशान में खड़े हैं, जमीन पर लेटे हैं, पूरे रात को 1 घंटे लेटेंगे, सिर्फ 1.5 घंटे लेटेंगे, 2 घंटे लेटेंगे, बस 1 करवट से लेटेंगे, इतना सब कर रहे हैं वर्धमान चारित्र। क्या है? एक चारित्र है, एक वर्धमान चारित्र। तो बड़े इस प्रकार से चारित्र में को बढ़ाने में लगे हैं, जैसे एक व्यापारी कैसे दुकान बढ़े, कैसे और आमदनी बढ़े, कैसे और पैसा बढ़े, लगातार प्रयास करता है,
अब ये वाला काम, अब ये एजेंसी ले ली, अब यहाँ जमीन खरीद ली, अब वो जमीन खरीद ली, अब ये शोरूम खोल लिया, अब उसका शोरूम खोल लिया है, क्या कर रहे भैया? चैन नहीं है ना। अंबानी बंधु को पैसे का नशा चढ़ा, तो पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा कमाना है, तो पैसा कमाने का इतना सुदूर उठा, सुदूर उठा दिमाग में कि पालक भी बेच रहा है और आलू भी बेच रहा है, सब्जी भी बेच रहा है, धनिया पत्ती भी बेच रहा है। बताओ अंबानी, पैसा ऐसे चुना जाएगा, है ना? तो वो कह रहा है पैसा कमाने के लिए मैं सब्जी बेच दूंगा। लोग पहले ठेले पर और फुटपाथ पर जब सब्जी बेचा करते थे, और अंबानी बंधु ने करोड़ों रुपए की दुकानें लेकर के अपार्टमेंट खोल दिए, उसमें सब्जी बेच रहा है, और पैसा कमाना है, और कमा लिया। जियो जियो जियो, जहां देखो भाई जियो हैं। अगर लोग मोदी को जानते हैं तो साथ में अंबानी को भी जानते हैं। वो कहते कि मोदी का पूरा हाथ अंबानी पे ही है, कमा लिया उसने, वो तो लक्ष्य ही उसका कमाने का, कमा लिया। तो बोले ऐसे ही एक मुनिराज अंबानी की तरह पागल हो जाते हैं, जब देखो जब ओधेड़ बन में लगे हैं। क्या कर रहे हो महाराज? कुछ नहीं, अभी प्रवचन खत्म हो गए, 10 मिनट का टाइम मिल गया। एक सामान्य मुनि होगा तो सोचा 10 मिनट मिल गए यार, थोड़ा सा झूम लो, लेट जाओ, पैर दबा लो, तेल लगवा लो। और एक वर्धमान चार्ज वाला होगा तो 10 मिनट भी मिल गए, 10 मिनट में भी जाकर बैठ गया तो क्या करेगा? ग्रंथ खोल के बैठ गया। क्या कर रहे महाराज? चलो आहार को टाइम होगा, अभी तो 5 मिनट तक मास्टर जी करेंगे, तब तक मैं ये देख रहा था कि यार ये देख लूँ ये गाथा, इसको पढ़ के जाऊँगा चौके में। वर्धमान चारित्र,